रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कब से नहीं देखा है मैंने तुम्हें सूरज, आज जी भर के देखना चाहती हूँ। आज? इतने दिनों से तो हम साथ हैं। लेकिन मुझे जैसा साथ चाहिए था वैसा कहाँ था? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्यों? क्या हुआ मेरी आवाज को? अलग लग रही है। आज की रात भी तुम्हें अलग ही लगेगी। ये रात हम गवा बैठे थे ना, तब से ये अरमान भटक रहे हैं। ये बिना क्या करिए तो भाई बड़ा और एक स्टार्टिंग में ये भी छोड़ो, एक मिनट छोड़ो बिना। एक लम्हा भी आज जाया नहीं होने दूंगी सूरज। बिना छोड़ो सूरज, ये रात एक बहुत लंबे युग के इंतजार के बाद आई है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू बिना? बिना बिना लीव मी बिना। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम और कबीर अंकल शादी नहीं कर लेते। तुम बहुत ही जिद्दी लड़की हो। आप पर गई हूँ, आपकी बेटी। पद्मिनी, समीर कहाँ है आजकल? मैंने उसे बहुत दिनों से देखा ही नहीं। वो अपने किसी सीरियल की शूटिंग में बिजी है। मगर तुम बात को टालो मत, जल्दी से शादी कर लो ना प्लीज। तुम फिर शुरू हो गई। माँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने जिंदगी भर कितनी तकलीफें सही हैं। माँ इन तकलीफों का अकेले कब तक सामना कर पाओगी तुम? एक ना एक दिन जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी ना। क्यों, तुम नहीं हो मेरे साथ? हाँ मैं आज हूँ, एक ना एक दिन मैं भी चली जाऊंगी, तब क्या करोगी? माँ मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के बाद तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। तुम्हारी शादी जब तक नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी बस। तुम बहुत प्यार करती हो मुझे, शायद इसी वजह से मैं वहां जालिमों की कैद में इतनी तड़प रही थी। तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं भी तरस रही थी माँ। अलीजा यहाँ तुम्हारा रूप रखकर थी जरूर, मगर इस वक्त किसका फोन है? हेलो। इतने दिन हमारे कैद में रहने के बाद मेरी आवाज तो पहचान गई होगी। मुझे फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए कि तुम कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारी कैद से भागने के बाद तुम बच जाओगी, क्योंकि तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी है और हमारे हाथों ही होगी, चाहे तुम कितने भी हाथ पैर मारो। हाथ पाव तो तुम मार रही हो बचने के लिए, तभी तो एक बिल से दूसरे बिल में भागती फिर रही हो। लेकिन कब तक भागोगी? बदल लो जितने बिल तुम्हें बदलने हैं, लेकिन एक दिन कबीर तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। और जिस दिन तुम लोग कबीर की गिरफ्त में आए ना, उस दिन के बाद से तुम्हारे पास सिर्फ जेल की चार दीवारें रहेंगी छुपने के लिए। तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा अंबिका, तुम इस दुनिया से चली जाओगी लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस गलत फहमी में मत रहना तुम, क्योंकि तुम्हारे और भाऊ साहब के खिलाफ मेरे पास गवाह और सबूत है जो काफी है तुम लोगों को फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम कबीर की गिरफ्त में नहीं आते हो कितनी खुशियां मनानी है मना लो, लेकिन जिस दिन उसने तुम्हें गिरफ्तार किया उस दिन के बाद तुम्हें मातम मनाने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा, समझ गई? बीना मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? बीना, बीना तुम, बीना,
बिना हाँ? क्या क्या सोच क्या रही हो? कुछ नहीं। सोच नहीं रही हो तो इतनी खामोश क्यों हो? सूरज, आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। सर एकदम भारी भारी सा लग रहा था, जैसे मेरी नींद पूरी ना हुई हो। सुबह 3:30 बजे तक तो तुम जाग रही थी, तो नींद कहां से पूरी होगी? क्या 3:30 बजे तक? ये कैसे हो सकता है? कल रात जो जो हुआ वो सब कैसे हुआ, इन्हीं सवालों का जवाब तो ढूंढ रहा हूं। कुछ भी तो नहीं हुआ था सूरज। तुम्हें याद नहीं? क्या याद करो बिना, कल क्या हुआ? कल तुमने मुझे ये शादी की साड़ी पहनने के लिए कहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं सो गई थी। सो गई थी? कल रात 10:30 बजे तुमने ये साड़ी पहनी और तुम सुबह 3:30 बजे सोई, उसके बीच में जो ये 5 घंटे हैं, तभी क्या हुआ? मुझे सच याद नहीं है क्या हुआ, बताओ। बिना, कल रात तुम अजीब तरीके से पेश आ रही थी, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी आवाज सब कुछ बदल चुकी थी, और अब सुबह तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं। क्या हुआ क्या तुम्हें? आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? सूरज तुम बताओ तो आखिर मैं कैसे बिहेव कर रही थी? मुझे, I swear on you, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। तुम्हें कुछ याद? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है ना तो इसे भूल जाओ, ओके? ऐसे भी कल रात जो कुछ हुआ वो याद रखने लायक नहीं थी। आयशा, ये सूट भी तुम रख लेना सर। अच्छा। हेलो, या दैट्स राइट, हुम वुड यू वांट टू स्पीक टू? या जस्ट अ मिनट, आयशा तुम्हारा फोन। मेरा? हेलो, हाय। नहीं, मैं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाई। हाँ, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें डिले हो गया है। एक मिनट तुम होल्ड करो। हाँ, करण जेम्स का फोन है। हाँ मैं जानता हूँ। उसे क्या जवाब दूँ? भाई आयशा, क्या जवाब दूँ? जवाब तुम्हें देना है, जो जवाब देना तुम दे दो, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? करण, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो। हाँ, पर मेरी किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? करण, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इस मॉडलिंग असाइनमेंट को एक्सेप्ट करूँ या नहीं। भाई अगर वाकई तुम मेरी राय जानना चाहती हो तो मेरी राय तो यह है कि फिलहाल तुम इस मॉडलिंग असाइनमेंट को मत करो। अब आयशा देखो, मैं ये फिलहाल की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये तुम्हें किसी भी दबाव में आके नहीं लेना चाहिए। और अगर वाकई तुम मॉडलिंग को अपना करियर बनाना चाहती हो तो आई थिंक यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आई मीन, तुम्हें कुछ तैयारियों की जरूरत होगी कि नहीं? अब बाकी तुम्हारी इच्छा। हेलो, हाँ जेम्स, वो मैं नहीं कर सकती। आई नो जेम्स, आई एम सॉरी जेम्स। दरअसल बात यह है कि मैं कल वापस इंडिया जा रही हूँ और इस बार तो नहीं हो सकेगा। हाँ, आगे जाके काम करेंगे। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाय। पहले मम्मा खत्म कर ले, उसके बाद क्या बात? इतने शांत? कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं वाकई बहुत खुश नसीब, मुझे तुम जैसी बीवी मिली।
कितनी सारी खुशियां दे दी तुमने मुझे, इतने सुंदर से बेबी का डैडी बना दिया। क्या खुशनसीब तो मैं हूँ, तुम्हारे जैसा पति मिला है, अच्छे सास ससुर मिले हैं, अच्छे देवर देवरानी मिले हैं, और फिर ये नन्हे नन्हे से महाशय भी तो हैं, है? तुम अकेली नहीं, हम सभी खुशनसीब, बहुत ज्यादा खुशनसीब। सच कहते हो, जल्दी से खत्म कर दो, जल्दी से, जल्दी से। क्या सोच रहे हो रोहन? मैं ये सोच रहा हूँ कि बात है ममता, जो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला किए जाने की बात, किसी भी इंसान की ऐसी कोशिश की बात कि हमारा ये खूबसूरत सा घर, हमारा ये खूबसूरत सा सपना टूट जाए, हमारे भरे पूरे परिवार को तोड़ देने की साजिश की बात। रोहन, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, हमारी अच्छाइयां हमारे साथ हैं, और फिर उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। मैं भी इस बात को जानता हूं, लेकिन ऐसा सोचकर हम उनकी ओर पीट करके तो खड़े नहीं रह सकते, हम उन्हें यह मौका तो नहीं दे सकते कि वो आए और हमारी पीठ में खंजर भोंक कर चले जाए। तुम अपने अतीत को याद करके अपना वर्तमान बिगाड़ रहे हो। मैं अपने अतीत से अपना वर्तमान नहीं बिगाड़ रहा, मैं महज ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वर्तमान को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित सजो कर रख सकूं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पता चल जाए कि वो औरत कौन है जिसने तुम्हारे पर वो कातिलाना, वो जानलेवा हमला किया था। ममता, देखो, जिस औरत ने एक बार हमला किया था, पता नहीं उसकी वजह क्या थी, हो सकता है कि वो दोबारा तुम्हारे पर हमला करवाने के या करने के मंसूबे बना रही थी। रोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल भूल जाओ इस बात को। अरे, तुम्हें खुशखबरी देना तो भूल ही गई, आयशा और करण अमेरिका से वापस आ रहे हैं। अच्छा। चलो मामा, खत्म, अभी घूमी। देखिए, ये इसकी ब्लड रिपोर्ट है, इसकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से इसकी कमजोरी बढ़ गई है। आधे घंटे में अगर इसे होश नहीं आता है तो मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। फिलहाल तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। डॉक्टर प्लीज, आपको जो भी डिसीजन लेना है जल्दी ले लीजिए। डॉक्टर प्लीज प्लीज, चंदा और बच्चे की जान बचा दीजिए, प्लीज। देखिए डॉक्टर, आखिरी सांस तक अपने मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, इंसान के हाथ में जो कुछ भी है वो तो मैं करूंगी। नहीं डॉक्टर, भगवान इतना बेरहम नहीं हो सकता, वो जरूर हमारी सुनेगा, सुनेगा। आपकी चाहत और मोना की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है, माँ और बच्चे को दोनों को नया जीवन मिला है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे देख के चौंक जाना, अब बंद भी करो बीना। आज मैं तुमसे अपने कई राज खोलने आई हूँ, जिससे कि हमारा साथ रहना आसान हो जाए। प्रतीक्षा, गनीमत है तुमने मुझे पहचान तो लिया। वैसे इंसान अपने पाप भुलाना चाहता है, पर भुलाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुम प्रतीक्षा कैसे हो सकती हो? नहीं, तुम प्रतीक्षा नहीं हो,
वही कद, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आवाज, और फिर भी तुम कह रही हो मैं प्रतीक्षा नहीं। बीना, अब इस सच्चाई से और नहीं बच सकती तुम। लेकिन प्रतीक्षा तो मर चुकी है। मारी जा चुकी है, सच कहा। लेकिन अब मैं तुम्हारे जरिए जिंदा रहूंगी। ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे जरिए कैसे जिंदा रहोगी? याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मैं अचानक प्रकट हो जाती हूँ और अचानक गायब भी हो जाती हूँ। मुझ में वो तमाम शक्तियाँ हैं जो आम इंसानों में नहीं, बस एक चीज की कमी थी और वो था एक जिस्म। तुम्हारा साक्षात्कार एक प्रेत आत्मा से हो रहा है। तुम्हारे सामने प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षा की आत्मा खड़ी है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों आई हो तुम मेरी जिंदगी में? तुम्हें शरीर चाहिए ना प्रतीक्षा, तो किसी और के शरीर में जाओ, मैं क्यों? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो और किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास सूरज है। मैं सूरज से प्यार करती थी और तुम भी करती हो। आज से वादे के मुताबिक दिन में सूरज तुम्हारा और रात में मेरा होगा। शट अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सूरज मेरा है, सिर्फ मेरा, सुना तुमने? मैं सूरज को किसी के साथ नहीं बांटने वाली। बीना, मैंने तुमको बताया ना, मुझमें ऐसी शक्ति है कि मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो देखो। प्रतीक्षा, सूरज सिर्फ मेरा है, सुना तुमने? मेरा है सूरज। लगता है उसने तुमसे कुछ नहीं कहा ना? पता है समीर और पद्मिनी हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र है पद्मिनी को हमारी शादी की, और एक तुम हो जिसको कोई फिक्र नहीं। नो फिक्र, क्या बात है? मैं बोले जा रहा हूं और तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं, कोई कमेंट नहीं। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हो रही? तुम खामोश क्यों? What's the problem? कबीर, भाव साहब और कौशल्या हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। क्यों? बोलो, जब तक आजाद हैं हमारी शादी नहीं होने देंगे। उनकी आजादी से हमारी शादी को क्या लेना देना? कुछ हुआ क्या? कौशल्या का फोन आया था, उसने मुझे धमकी दी है कि वो लोग हमें चैन से नहीं रहने देंगे, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। उसने कहा और तुमने मान लिया? कबीर, तुम कैसी बातें करते हो? मैं उन लोगों की गिरफ्त में रह चुकी हूं, उन लोगों के अत्याचार सह चुकी हूं। मैं डरती हूं उनसे। वो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उनके चंगुल से निकल आई। वो बहुत शैतान लोग हैं शिवानी। दरअसल उन लोगों का खौफ तुम्हारे दिमाग में बस गया है, वरना वो लोग बहुत कमजोर हो गए हैं। चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दे कांट डू एनीथिंग। फिर भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है शिवानी, कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें श्योर करता हूं कि बहुत जल्दी मैं उन्हें काल कोठरी के अंदर डालूंगा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो लोग छिपे कहां हैं, दैट्स ऑल। एक बार जरूर।